कल्याणी, सिर्फ मुझे एक चांस दो प्लीज। मैं तेरी लाइफ में सारी खुशियां ले लूंगा। कल्याणी, तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं कुछ और ले आता हूँ तुम्हारे लिए। वो चॉकलेट मुझे गिफ्ट देना चाहता है ना? तू मुझे गिफ्ट देना चाहता है? अरे तू क्या मुझे लाइफ में गिफ्ट दे सकता है? तूने ना मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है। और प्लीज स्कूल के दिनों की बातें तो करना मत, कम से कम उन यादों में तो मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को प्यार करने दे। कि अब जो मेरे सामने खड़ा है ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, एक राक्षस है, राक्षस। देख कल्याणी, तू हमेशा मेरे साथ मिसबिहेव करती है, और मैं सिर्फ अपने आप को इसलिए कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन प्लीज मेरे पेशेंस को ऐसे टेस्ट मत कर, और कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, क्योंकि सारे घर वालों के ब्लड टेस्ट करा चुका हूँ मैं। मोक्ष को किसी और का डोनर बनाने की सोचना देना, मोक्ष को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, संपदा और अनहार का बच्चा। और ये उल्टे सीधे पैतरे अजमाना छोड़ और मुझे एक्सेप्ट कर ले। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, कल्याणी के साथ तुमने जबरदस्ती शादी तो कर ली रचित, लेकिन जबरदस्ती उसके दिल में जगह नहीं बना सकते तुम। आज कल्याणी तुम्हारी हरकतों का साथ दे रही है क्योंकि वो मजबूर है, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए। लेकिन मोक्ष के लिए उसको जो भी करना था ना, उसने कर दिया है। अब तुम जबरदस्ती उसको अपने पास नहीं खींच सकते। एक बात याद रखना, औरत को कभी कमजोर मत समझना। आज ये माँ अपनी कमजोर बेटी का साथ दे रही है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से ऐसा ना हो जाए कि ये माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेने पर मजबूर ना हो जाए। वैसे कल्याणी के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। आपको जो समझना है समझिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कल्याणी का प्यार पाके रहूंगा। मेरे होते हुए वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन जरूर आएगा, आपके जीते जी कल्याणी कबूल करेगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इसी बात पे मुंह मीठा, क्या कर रही हो? आपकी बहू है, पैर छू रही है आपके। मैं वही बताने आया हूँ आपको। क्या? मैंने और संपदा ने अपनी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया है। होश में हो मलाद? जानते हो क्या कह रहे हो? ये लड़की तुम्हें एक पराए मर्द के लिए एक दिन के बच्चे के साथ छोड़ के चली गई थी, उसके लिए तुम ये बात कह रहे हो? मैं मानती हूँ काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, एक ऐसी गलती जो माफी के भी लायक नहीं है। लेकिन अब मैं मेरी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी मोक्ष और मल्हार की सेवा में बिताना चाहती हूँ। संपदा, देखो तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ, और मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता।
परमेश्वरा ये हो क्या रहा है? वहाँ कल्याणी पागलों जैसी बैठी है और यहाँ तुम? अरे तुम दोनों को समझ में भी आ रहा है तुम इस लड़की को माफ करने जा रहे हो? जरा अपने साल भर के बच्चे को पूछो, क्या वो इसे माफ करने के लिए तैयार है? अपने जन्म देने वाली माँ को माफ करने के लिए इनकार करेगा और तुम बड़े दानवीर बनने चले हो? आप हमारे परिवार के मामलों में दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। आज हमारे परिवार को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है वो सब आपके परिवार की बेटियों की देन है, जिनकी वजह से हमारे परिवार पर संकट आया है। मैं तो चाहता हूँ उन्हें नरक में भी जगह ना मिले। दादा कीड़े पड़े उन पर। दादा हम, आप चलिए मेरे साथ, आप कमरे में चलिए। संपदा सामान पैक करना शुरू कर दो, हमें औरंगाबाद छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा ट्रांसफर हो गया है। औरंगाबाद से थोड़ा आगे जाके एक छोटा गांव है, देवेवाड़ी। वाह, देवेवाड़ी? पर ऐसे छोटे से गांव में जाके हम क्या करेंगे? मतलब ये सब कब हुआ? आज ही ट्रांसफर लेटर आया है। नहीं नहीं, मतलब इतने छोटे से गांव में सारी सुविधाएं होंगी? मेरा मतलब है हॉस्पिटल, जनरल स्टोर, सब होगा वहाँ पे। हम दोनों हैं ना एक दूसरे का साथ देने के लिए, और फिर तुम हो घर संभालने के लिए और मोक्ष को संभालने के लिए, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम फिक्र मत करो। हरगिज नहीं, उस छोटे से गांव में मेरा रह पाना इम्पॉसिबल है। ये तो बस शुरुआत है संपदा, अभी तो तुम्हारी राह में और बहुत अड़चने आनी बाकी हैं, और तुम्हारी मुश्किलें तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक तुम खुद ये सच नहीं उगल देती कि आखिर तुमने रचित के साथ मिलकर कल्याणी को मजबूर कैसे और क्यों किया। सब ठीक हो जाएगा। पता है संपदा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई हो। और इसी खुशी में आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ऐसा सरप्राइज जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। मल्हार जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और मल्हार जी कब से सरप्राइज़ प्लान करने लगे? और वो भी संपदा के लिए? कैसा लग रहा है? अच्छा है, रोमांटिक तो है ना? है ना रोमांटिक? एक्चुअली मैं और संपदा आज रात को इस कैनोपी में रुकने वाले हैं। मल्हार जी, लगता है आपको याद नहीं, इसलिए याद दिला देती हूँ। ये एक वर्कशॉप है, यहाँ पे कामगार ना काम करते हैं। अगर आप यहाँ अपना ये तमाशा, झमेला जो भी है करेंगे तो फिर काम कहाँ होगा? देखिए ये सब यहाँ से हटाइए, यहाँ पे काम होता है। मुझे तो पता ही नहीं था ये कामगार यहाँ काम करते हैं। अगर तुम्हें याद ना हो कल्याणी तो याद दिला दूं, आज मकर संक्रांति है। आज के दिन कोई कारीगर काम नहीं करता है, छुट्टी है आज, याद आया? मल्हार जी,
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਜਗ ਸੇ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਏ ਵੋ ਮੁਝਕੋ ਬਸ ਤੁਝ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ, ਸਫੇਦ ਪਿਆ ਨਾ ਛਲ ਨਾ ਕਪਟ ਨਾ ਭੇਦ ਪਿਆ, ਸੋ ਰੰਗ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਆਤਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਰੇਤ ਪਿਆ ਰੇਤ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੁਝਸੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਜਗ ਸੇ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸ ਤੁਝਸੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਿਆਣੀ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਬ ਤੁਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਚ ਦੇ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਤੋ ਮੁਝੇ ਔਰ ਸੰਪਦਾ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਤੇ ਦੇਖ ਤੁਮੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरा और संपदा का बढ़ता प्यार देख के तुम्हें परेशानी हो रही है? अब समझा, तुम्हें मेरे और संपदा के बढ़ते प्यार से इसलिए जलन हो रही है क्योंकि तुम्हें रियलाइज हुआ है कि तुम्हारा पति ऐसी कोई रोमांटिक चीज नहीं करता है। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पति ने तुम्हारे करीब आने के लिए अभी तक ऐसी कोई रोमांटिक चीज नहीं करी है। किसने बोला? किसने कहा? एक मिनट, तुझे बीच में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और आप मल्हार जी, मेरे और मेरे पति के बीच में कितना प्यार है ये हम दोनों जानते हैं। हमें पूरी दुनिया को दिखाने का कोई शौक नहीं है और ना ही आप लोगों की तरह ये तमाशा करने का कोई शौक है। आई थिंक मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें दुख हो रहा है कि तुमने घाटे का सौदा किया है क्योंकि तुम्हारा नया पति वो कोई खुशी नहीं दे पा रहा है जो मैं तुम्हें दिया करता। एक काम करते हैं, एक प्रतियोगिता रख लेते हैं,
ये प्रूव करने के लिए कि कौन अपनी पत्नी के लिए बेहतर पति है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। डन, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, तो इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा, अगर मान लो तुम दोनों जीते, तो मेरी इस बनाई हुई जो मैं दोबारा बना दूंगा, उस कपल को इस कैनपी में रात गुजारने का मौका मिलेगा। और अगर तुम दोनों हार गए, तो मैं और संपदा इस कैनपी में रात गुजार के जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। मंजूर है? लेकिन कंपटीशन होगा किस चीज का? मकर संक्रांति में किस चीज की प्रतियोगिता होती है ये भी बताना पड़ेगा क्या? कल्याणी, तुम ही अपने नए पति को बता दो। मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं एक बेटर हस्बैंड हूं। मैं ये कंपटीशन जरूर विन करूंगा, तुम देख लेना। अरे ये क्या हो क्या रहा है अनुप्रिया? ये जो इस घर में पागलपन हो रहा है ना, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। बाय। ये आई और बाबा दोनों अलग अलग टीम में क्यों है? चीटिंग मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी भाग लेना चाहिए। बस सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि रचित इसमें जीत जाए। शायद आप उसकी पतंग काट दें। नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है। मांझा पकड़ना आता है आपको? अनुप्रिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके लिए नहीं करना चाहता। इस कंपटीशन में हम भी पार्ट लेंगे। हम मतलब मैं और अनुप्रिया जी। कोई सी भी ले लो। मल्हार, एक बार फिर से सोच लो ना ट्रांसफर का। क्या क्या तुम ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते? मतलब
हम हमारे मोक्ष की परवरिश इतने छोटे से गांव में कैसे कर सकेंगे? ट्रांसफर ऑर्डर ऊपर से आए हैं, उनको रुकवाना मेरे हाथ में नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। काश मैं कुछ कर सकता। रेडी? अब कल्याणी, इसको ना ऐसे करके ऐसे करनी दो, जा। नाश्ता तो करके आए हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि धूप की गर्मी से चक्कर खा के गिर जाओ। आप अपनी चिंता कीजिए, आओ तो आपके लिए नाश्ता बाहर से मंगवा दूं। वन टू थ्री, कल्याणी यहां पे आ जाओ जल्दी। देशमुख, देशमुख होल्ड, ध्यान दीजिए ना। कल्याण क्या कर रही हो, थोड़ा हिल दो ना प्लीज। एक बात ना याद रखना रचित, कल्याणी अपने मल्हार जी को कभी हारने नहीं देगी।